बेगूसराय में कल शाम से लापता छात्र का शव केला बागान के पंप सेट से फौज से बरामद किया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैथमा गांव की है। बताया जाता है कि कैथमा गांव निवासी 18 वर्षीय कन्हैया कुमार घर से पढ़ने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। देर रात तक खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो परिजनों ने मुफस्सिल थाना में कन्हैया कुमार के लापता होने की सूचना दी थी। पुलिस और परिजन कन्हैया कुमार की खोजबीन कर रहे थे। इस बीच आज सुबह बगान के बाहर स्थानीय लोगों ने खून का दाग देखा, जिसके बाद बगीचे के अंदर गए तो कन्हैया कुमार का शव पंप सेट से हौज में नग्न अवस्था में पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक का चचेरे चाचा के साथ विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस उसके चचेरे चाचा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हत्या की खबर फैलते ही आसपास के सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग केला बागान पहुंचे हैं। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर कन्हैया कुमार की इतनी बेरहमी से हत्या किसने और क्यों कराई। बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार के पिता की भी 2 साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अब घर का चिराग कन्हैया कुमार की भी बदमाशों ने बेरहमी से गला में गोली मारकर हत्या कर दी है। इससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कल रात में पता चला था कि पानगाछी के पास कुछ लोगों के द्वारा कन्हैया कुमार को अगवा किया गया है, जिसके बाद आज उसका शव मिला है।